तरंग तरंग युवा तरंग आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल को तू ही चला मेरे जीवन को तू ही चला आप पवित्र आत्मा मेरे दिल सारा जहां जाऊं तो जाऊं कहां पर धोखा है सारा जहां जाऊं तो सभी युवा भाई बहनों को जय सु। मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम में। मैं जानता हूं कि आप बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि युवाओं के अलावा और भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, आपका स्वागत है। विशेष करके मैं अपने युवा भाई बहनों को इस समय संबोधित करना चाहता हूं। मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, जीवन कभी कभी अटक जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि अपने जीवन में अटक गए हैं, स्टक, और लगता है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे अंदर एक प्रकार की निराशा आ जाती है, एक प्रकार की उदासी आ जाती है, उदासीनता आ जाती है। इन क्षणों में आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा को पुकारें और पवित्र आत्मा आए और हमारे जीवन को नया बनाएं। जीवन आसान नहीं है, कठिन है। चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, अविवाहित जीवन हो, जीवन कठिन है और विशेष करके युवावस्था में इस कठिनाई को आप ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही भावुक रहते हैं, भावुकताएं बहुत तेज होती हैं। ऐसे क्षणों में जब हम अटक जाते हैं, हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है और हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ऐसे क्षणों में हमें पवित्र आत्मा को पुकारने की जरूरत है। प्रार्थना में बैठिए, पवित्र आत्मा को पुकारिए और पवित्र आत्मा नवीकृत करेगा आपको। पवित्र आत्मा का काम ही नवीकृत करना है। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में प्रवेश करता है, वह उस व्यक्ति को वो नया बना देता है। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए और प्रेरणा ग्रहण कीजिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे कि किस प्रकार हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, आत्मा में नवनीकरण में आगे बढ़ें। हम भले ही प्रार्थना करते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, लेकिन हम में से कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें और आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक रूप से हमें और आगे बढ़ना है। हम उसी स्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में हैं, कुछ परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 में हम वचन देखते हैं, जहां लिखा है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें,
इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, क्या सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। वचन कहता है आप संसार के अनुकूल ना बने। हम सब सोचते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन हमें बता रहा है संसार के अनुकूल ना बने। हमें आज सोचने की आवश्यकता है कि क्या हमने पिछला जीवन त्यागा है। हम भले ही प्रार्थना करते होंगे, रोजरी माला जपते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, सत्संग जाते होंगे, प्रार्थना सभा में बैठते होंगे, लेकिन फिर भी हम अपने पन में अधूरा पाते हैं कि हमें कुछ आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हम हमारे जीवन को संसार के अनुकूल अभी तक बनाए हुए हैं। संसार के तौर तरीके, संसार की चकाचौंध, संसार की बातों को हमने त्यागा नहीं है। देखिए वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 संख्या 7 जहां वचन लिखा है आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाएं जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाएं, इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में से जो पुरानी आदतें हैं, पुराने तौर तरीके हैं, उसको त्याग दें और फिर शुद्ध हो जाएं। तभी प्रभु का आत्मा हम में कार्य करेगा। पुराने जीवन में, पुराने तौर तरीकों में प्रभु का पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा, हम आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 संख्या 16 जहां लिखा है क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है और आप मंदिर हैं, और इसलिए आपको अति आवश्यकता है जब आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, आत्मा में नवनीकृत होकर के बढ़ना चाहते हैं, आपको पुराने तौर तरीके लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, अक्षमा, ईर्ष्या, कटुता, कटुवाणी, झगड़ा, भुनभुनाहट, चुगली करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, ये सारी चीज़ें, व्यर्थ की बातें त्यागना पड़ेगा। तभी प्रभु का आत्मा आप में निवास करेगा और बहुतायत रूप में कार्य करेगा। हमें समय समय पर परखने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, विनती माला में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं, क्या मैं यीशु के अनुरूप जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं यीशु की बताई शिक्षा के अनुरूप जीवन जी रही हूँ? क्या मैं मेरे कार्य, मेरी बोली, मेरे आचरण, मेरा स्वभाव, मेरे कार्य प्रभु को प्रिय है कि नहीं? ये हमें बार बार अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। और हमें आवश्यकता है प्रभु की इच्छा की खोज करने के लिए कि प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है, कि प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है और हमारे जीवन में कैसा कार्य करना चाहता है। हम हमारी अभिलाषाओं की खोज ना करते रहें, हम हमारी बातों की खोज ना करते रहें, हम हमारी बातों पर अड़े ना रहें, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है उसको महत्व दें, उसको स्थान दें। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 6:33 में वचन कहता है ना, प्रिय मित्रों, तुम सबसे पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जब हम उसकी खोज में रखते हैं, जब हम उसकी खोज और तलाश करते हैं, प्रभु हमारे रास्तों को आसान करते हैं। मेरे ऐसे बहुत से मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, प्रार्थना वाले मित्र हैं, जिनकी बातों को जब मैं सुनती हूँ, पता चलता है जब हम प्रभु के लिए सब चीज़ समर्पित कर देते हैं, प्रभु के लिए सारे कार्यों को समर्पित करते हैं, हमारे प्रभु हमारे लिए सारी बातों को आसान कर देते हैं। चाहे हमारे दफ्तर की बातें हों, हमारे काम काज हों, प्रभु हमारी सारी चीज़ों को आसान बना देते हैं। इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 संख्या 14 में वचन कहता है तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया है कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है तब
यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार छोड़ देगी तो स्वर्ग से मैं सुनूंगा। वचन में क्लियर लिखा है, जब हम कुमार्ग छोड़ देंगे, अपना जीवन अच्छा करेंगे तो मैं सुनूंगा। यदि हम वचनों के अनुरूप पवित्र जीवन जिएंगे, प्रभु की इच्छा पर चलते रहेंगे, हमारे जीवन में बहुतायक तरक्की, प्रभु के आशीर्वाद को हम ग्रहण करते जाएंगे। और यही हमें समझ में आएगा, प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल कर रहा है, हम आध्यात्मिक रूप से तरक्की करेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे, आत्मा के अभिषेक में बढ़ेंगे, आत्मा के फलों में बढ़ेंगे, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम। क्योंकि हम जब प्रभु के वचनों में आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन के जितने भी गलत कार्य हैं, जितने भी आलतू फालतू कार्य हैं, वो हम त्याग देंगे और प्रभु की आत्मा से भर करके हम जिएंगे और तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:9 में वचन कहता है, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। जब हम ईश्वर की आत्मा सचमुच हम लोग में निवास करती है तो हम वासनाओं से नहीं, प्रभु की आत्मा से संचालित होकर के कार्य करेंगे। और प्रभु चाहता है कि हम आत्मा से भर करके जिएं, आत्मा से प्रेरित होकर के कार्य करें, आत्मा के लिए ही कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा से भरते हुए नवनीकरण में जीना चाहते हैं, हमेशा प्रभु की खोज में लगे रहें, हमेशा प्रभु की योजना को जानने की, क्या प्रभु हमारे जीवन में क्या कार्य करना चाहता है। श्रोत ग्रंथ में अध्याय 14:2 में वचन कहता है, ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता है। वचन साफ कहता है, ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी खोज करें, हर दिन उसकी खोज करें। जब हम हर दिन उसकी खोज करेंगे, अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, अपने हर कार्यों में प्रथम स्थान देंगे, प्रभु हमारे हर कार्यों को आसान करेंगे, प्रभु हमारी हर परिस्थितियों को आसान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी इसाया का वचन में वचन कहता है अध्याय 49:23 में, मुझ पर भरोसा रखने वाले को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं ना, हमें किसी बात के लिए लज्जित नहीं होना पड़ता है। और ये मेरा भरोसा है और यह मेरा अनुभव है। जब मैं भी स्कूल में थी, मैंने कॉलेज किया, ये सारी पढ़ाई में मैं प्रार्थना में प्रभु से साथ बनी रही और प्रभु ने मुझे अच्छे अंकों में मुझे सफल बनाया। केवल प्रभु की प्रार्थना, प्रभु से जुड़े रहने से मेरे हर बातों में प्रभु ने आसानी दी, प्रभु ने हर बातों में मुझे अभिषेक दिया, पढ़ाई में, प्रार्थना में, अच्छे फ्रेंड्स मुझे प्रदान किए, आध्यात्मिक दोस्त मुझे प्रदान किए। और इसलिए वचन ने यिर्मयाह नबी का ग्रंथ में आश्वासन देता है अध्याय 29:11-13, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे लिए हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, मैं तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं जानता हूँ। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु का ध्यान रखते हैं, प्रभु हमें आशामय भविष्य की योजना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्यारे भाई और बहनों, जकेउस के दृष्टांत में हम देखते हैं, हम जकेउस के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार जकेउस प्रभु यीशु का इंतजार कर रहा था और वह जान रहा था कि प्रभु यीशु यहाँ से गुजरने वाले हैं। जब प्रभु यीशु ने कहा, जकेउस नीचे आओ, आज हम तुम्हारे घर चलेंगे, और जब जकेउस ने प्रभु की बात सुन ली, जकेउस का पूरा जीवन बदल गया। प्रभु यीशु ने जकेउस का जीवन में अद्भुत कार्य किए और जकेउस जो बेईमान माना जाता था, प्रभु यीशु की एक उपस्थिति की वजह से उसका सारा जीवन बदल जाता, सब चीज़ चौगुना लोगों को लौटा देता है। कितना अद्भुत चमत्कार। प्रभु हमारे जीवन से भी यही आज आग्रह करते हैं कि क्या मेरे जीवन में ऐसे कौन सारे प्रलोभन है जिसे मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ।
प्रार्थना तो करता हूँ, प्रार्थना तो करती हूँ, मिस्सा बलिदान तो जाती हूँ और समय भी वक्त भी बिताती हूँ, चर्च में भी समय बिताती हूँ, लेकिन अब भी मेरे अंदर ऐसे कौन सी बातें हैं जो मैं छोड़ नहीं पा रही, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रही, प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रही, बहुतायत रूप में आत्मा के कार्यों को मेरे जीवन में होता नहीं देख पा रही। आज मनन चिंतन करें मेरे मित्रों कि क्या मेरे जीवन में अब भी क्रोध निवास करता है, क्या मेरे जीवन में अब भी मैं उन सारे फालतू के बातों को सजोए रखी हूँ, संसार की चकाचौंध को मैं प्रथम स्थान देती हूँ, क्या अब भी मैं बहुत सारा समय यूट्यूब में व्यर्थ में बिताती हूँ, क्या अब भी मैं चुगली करती हूँ, झूठ बोलती हूँ, छोटी छोटी गलतियों को मेरे जीवन में स्थान देती हूँ। जब हमें आत्मा में नवनीकरण करना है, संपूर्ण रीति से शुद्धता से प्रभु के निकट आ जाना है, संपूर्ण रीति से प्रभु की आराधना में बैठना है, एकाग्र एक हृदय होकर के प्रभु को वक्त देना है। जब आप प्रभु को समय निकालते हुए आत्मा में एक होकर के प्रभु से जुड़ जाएंगे, प्रभु आपकी आत्मा को और ऊंचा उठाएंगे, अद्भुत कार्य करेंगे आपके जीवन में। वचन कहता है बारूक का ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 28 में, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। प्रभु चाह रहे हैं कि आप 10 गुना उत्साह से प्रभु के पास लौट आए और तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आपको आत्मा के नवनीकरण में आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मेरे जीवन में जब मैं पीछे लौट करके देखती हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध था, गुस्सा था, लेकिन जब मैंने यह निर्णय लिया प्रभु के सामने, प्रभु की आत्मा में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लिया कि मैं अब इस गुस्सा को प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, अब मैं गुस्सा का अधिकार मेरे जीवन में नहीं होगा, जब भी ऐसी कोई घटना होगी प्रभु मुझे तू अनुग्रह देना कि उसी समय मैं उस व्यक्ति को क्षमा दे सकूं। और मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि प्रभु ने कार्य किया और अब मेरे अंदर गुस्सा का मनोभाव नहीं है। जब कभी ऐसी घटना होती है प्रभु मुझे अनुग्रह देते हैं कि मैं उन सारी घटनाओं को, सारे लोगों को क्षमा दे सकूं और प्रभु के अनुग्रह को, आशीर्वाद को, आत्मा के अभिषेक को मैं हर दिन महसूस कर पाती हूँ, प्रभु को मैं हर दिन महसूस कर सकती हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे अनुग्रह में आगे बढ़ाया है। और अब भी मैं तरसती हूँ कि प्रभु का आत्मा मेरे अंदर और बहुतायत रीति में कार्य करे, और मैं तरसती हूँ कि प्रभु मुझे और कृपा दे कि मैं और कितना अपने आप को तेरे लिए योग्य बना सकूँ। ऐसे हम तरसते हुए प्यासा हिरनी की तरह अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तरसते हुए लोगों के कल्याण के लिए अपने आप को आप समर्पित करें, विनम्रता से अपने सारे उन बातों को प्रभु के सामने त्यागें। देखिए प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 2 में पद संख्या 6 में वचन कहता है, ईश्वर पर निर्भर रहो वह तुम्हारी सहायता करेगा, प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। आप प्रभु पर भरोसा रखें, आगे बढ़ते जाएं। और वचन कहता है पद संख्या 8 में, प्रभु की श्रद्धालु भक्तों उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। आप विश्वास करें उसकी चिरस्थायी प्रेम पर, विश्वास करें और निश्चय ही प्रभु आपको पुरस्कार प्राप्त करेगा। और ये हर दिन आप प्रयास करें, आप सोचेंगे कि ये एक दिन होगा, रोज आप आत्मा में नवनीकरण होने के लिए आप प्रयास करें, प्रार्थनाओं को करें, वचनों को पढ़ें और प्रभु के साथ जुड़ जाएं, प्रभु की आराधना में जुड़ जाएं, जिससे प्रभु एक ना एक दिन आपको सचमुच में आत्मा में नवनीकृत करते हुए नया व्यक्ति बनाएंगे। और जैसे वचन में लिखा है अध्याय 2 पद संख्या 3 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो। आज हमें प्रभु से लिपटने की आवश्यकता है, उसकी संगति में रहने की आवश्यकता है, एक मन, एक हृदय, एक आत्मा से प्रभु से जुड़ जाएं। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत रूप में कार्य करेगा। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगी। आइए मित्रों, हम प्रार्थना में जुड़ जाएं, प्रभु से जुड़ें, प्रभु की संगति में आगे बढ़ें, प्रार्थना में जुड़ें
और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पुराने खमीर को त्याग दें जो आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए, आत्मा से भर करके कार्य करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप उन सारे खमीर को त्यागें और प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ें। आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। आइए पवित्र आत्मा, सामर्थ्यवान आत्मा, ईश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा, सब कुछ को नया बनाने वाले आत्मा, हर एक भाई बहन पर उतर आइए। ये पवित्र आत्मा, इस समय विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, जिस तरह पेंतेकोस्त के दिन तू आग के ज्यों के रूप में शिष्यों पर उतर आया था और उनके अंदर धैर्य भरा था, उत्साह भरा था, उसी तरह मेरे इन छोटे भाई बहनों के जीवन में आना, इन बेटे बेटियों के जीवन में आना और उन्हें उत्साह से भरना, प्रेरणाओं से भरना, आशा से भरना, उम्मीदों से भरना, उनके हर प्रकार के नकारात्मक बातों को निकालकर सकारात्मकता से भरना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय सु को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल।